हे गाइस, तो आज हम ड्रॉ कर रहे हैं डेडपूल और वॉल्वरिन को। और यहाँ पर मैंने आउटलाइन के साथ साथ कलरिंग का ट्यूटोरियल वीडियो एक ही वीडियो में डाला है, आपको डबल वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो अभी हम करेंगे आउटलाइन को स्टार्ट। तो आउटलाइन हम करेंगे ग्रिड मेथड से, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रिड ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ पर मैं ग्रिड ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट लगाऊंगा और फिर ग्रिड को बना लूंगा। और मैं वीडियो को स्टार्ट इसलिए मतलब फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगे। और अभी हम आउटलाइन शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं डेडपूल से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि जो वॉल्वरिन है उसका फेस काफ़ी मतलब तिरछे में है, तो डिफिकल्ट लगता है पहली टाइम में, बट फिर आज आराम से बनी जाती है। आप लोग एंड तक जरूर देखना वीडियो को, आपको पता ही चल जाएगा। देखो, ग्रेड में सिर्फ हमें ग्रेड ही बनानी पड़ती है और फिर आउटलाइन काफ़ी इजी हो जाती है ड्रॉ करने में, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और फिर अगर अपन फ्री हैंड मेथड से बनाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, लगभग 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस आराम से चाहिए उसमें, और या ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, मैं भी शुरू करने ही वाला हूँ, बट अभी थोड़ा ग्रो हो जाऊँगा ना, तो फिर आराम से प्रैक्टिस करते ही रहूँगा ना। तो बस अभी ग्रिड से ही बनाओ जो भी आप लोग बनाते हो। अगर आपको फ्री हैंड मेथड से बनानी है तो ऑफ कोर्स बना सकते हो आप लोग, और उसमें फ़ायदा ये भी है कि आप फिर लाइव पेंटिंग आराम से कर सकते हो। अभी मैं ग्रिड से बनाता हूँ तो थोड़ा ऐसा ही लगता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ग्रिड से बिल्कुल आराम से ईजी से बन जाती है। हाँ, वो बात अलग है, अगर अपन बड़े पेज पर बनाओ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बनाने में। तो देखो, आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे कलरिंग। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आउटलाइन को डार्क कर लूँगा क्योंकि अपन कलरिंग करेंगे ना, तो जो ग्रेफाइट लगी हुई है जो ग्रेड की और फिर आउटलाइन की भी अलग से, तो वो अपन को इरेज करनी पड़ेगी और फिर अपन कर पाएंगे आराम से। तो अभी मैं आउटलाइन को थोड़ा बहुत डार्क करके और फिर इरेज करूँगा और मैं डेडपूल से ही शुरू करूँगा कलरिंग को, क्योंकि काफ़ी ईजी है ना वो। अब मैंने जैसे आउटलाइन डार्क कर ली थी थोड़ी सी, तो मैं कलरिंग उठाने के लिए गया, तो देखो आप लोग खुद ही देख लो कि कलर पहले से ही हो गया। और वो इसीलिए क्योंकि मैंने पुश कर दी थी वीडियो और फिर मैं भूल गया कि उसको पुश नहीं स्टार्ट करना है फिर से, बट इतना हो गया। तो इतने में सिर्फ मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर किया है और फिर उसके ऊपर थोड़ा ग्रे कलर और फिर हमने वाइट कलर से उसको मर्ज कर दिया, तो बस इतना ही था इसमें। अब हम करेंगे जो शेडिंग है मतलब जो रेड कलर की, वहाँ पर पहले ब्लैक कलर से शेडो दे देंगे जो जो शेडो आ रही है डेडपूल में, और फिर हम उसके ऊपर करेंगे रेड कलर। बट उससे भी पहले जो रेड कलर का एक और कलर थोड़ा सा डार्क कलर आता है ना रेड में, तो पहले वो अप्लाई कर लेना और फिर उसके बाद आप रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर जहाँ पर देखो हेड के ऊपर हाईलाइट आ रही है थोड़ी सी, तो वहाँ पर हम कर देंगे वाइट कलर को अप्लाई, और जहाँ जहाँ पर येल्लो की लाइट आ रही है तो वहाँ पर आपको ये करना है कि थोड़ी सी कलरिंग को लाइट कर देना और फिर उसके ऊपर अपन येल्लो कलर आराम से कर सकते हैं। तो अभी मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए, क्योंकि अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग को ज़्यादा बोर होगा और फिर आप लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हो, ऐसा मत करना यार, एंड तक जरूर देखो।
तो देखो हेड कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको इसमें भी अभी और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप लोग जरूर पूछ लेना। और मैं जो हाईलाइट करता हूँ वो मैं व्हाइट जेल पेन से करता हूँ, आप लोग भी परचेस कर सकते हैं, बट आप लोग थोड़ा और प्रीमियम क्वालिटी का व्हाइट जेल पेन लेना। मैंने थोड़ा कम कॉस्ट का लिया था, मतलब बजट नहीं है ना उतना, तो थोड़ा कम प्राइस का लिया था, तो उतना अच्छा नहीं है ये व्हाइट कलर, मतलब पेन व्हाइट जेल पेन, और वो मार्कर्स पे नहीं चलता है, बस पेंसिल कलर पे ही थोड़ा बहुत चल जाता है, बट अभी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बजट के हिसाब से। तो देखो जैसा कि मैंने हेड में किया है तो वैसा ही मैं हर जगह पर कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर अगर हमें हाईलाइट चाहिए, मतलब लाइक येलो कलर की जैसी रोशनी आ रही है, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल ही लाइटली कलर को अप्लाई करना है, और फिर उसके ऊपर हमें जो येलो कलर है उसको डार्कली अप्लाई करना है, तो बस दोनों ही मिक्स होकर एक लाइटनेस सी फीलिंग मतलब बनाएंगे, जो कि हमें रिफरेंस इमेज की तरह दिखेगी। तो बस ऐसे ही ड्रॉ करते जाना है, और आप लोग जब तक प्रैक्टिस ना करोगे तब तक तो आपके पास कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब अगर आप ट्यूटोरियल वीडियो ही देखते हो और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो घंटा सीख रहे हो तुम लोग। प्रैक्टिस करो और फिर मतलब प्रैक्टिस करते रहो और ट्यूटोरियल वीडियोस भी देखते रहो, ताकि पता चलता रहे कि कैसे क्या करना है, और प्रैक्टिस करने से अपनी गलतियां भी दिखती हैं और फिर अपन उनको सुधार भी लेते हैं ना। तो मैंने भी प्रैक्टिस ही करी है, मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं ड्राइंग करते करते, बट सपोर्ट अजी मेरा कद्दू, तुम लोग सपोर्ट करो यार, प्लीज सपोर्ट करो। तो अब देख लो जो कि मैंने ऊपर की आइस में किया था वो छूट गया था, तो मैं इसी तरह यहाँ पर भी कर रहा हूँ जैसा कि मैंने ऊपर की आइस में किया था। पहले थोड़ा सा ब्लैक कलर अप्लाई करके जहाँ जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके, और जहाँ जहाँ पर लाइटनेस है वहाँ पर थोड़ा कम प्रेशर अप्लाई करके, और जहाँ पर बिल्कुल ही हाईलाइट है वहाँ पर गैप पर कुछ नहीं करना है, वहाँ पर सिर्फ फिर उसके ऊपर से व्हाइट पेंसिल कलर को अप्लाई कर देना है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और ट्यूटोरियल वीडियोस भी देखते रहो। तो चलिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। इसी के साथ हमारा डेडपूल कंप्लीट होता है, अब नेक्स्ट पार्ट में वॉल्वरिन को कंप्लीट करूंगा, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ रह गया हो बताने के लिए तो आप लोग जरूर से बता देना, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप लोग भर भर के कमेंट कर दो, और आर्ट कैसी लगी है भी बता देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है यार, तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना प्लीज़ यार, और लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो वीडियो अगर अच्छी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।